हेलो एवरीबॉडी, इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं कि फिनिश सेंटेंसेस क्या होते हैं। हमने पहले पढ़ा था कि वर्बल का क्या मतलब है। जिस पिक्चर में काम दिखे उसको हम बोलते हैं वर्बल। इस लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं कि फिनिश्ड का क्या मतलब है। अगर हमें अपनी पिक्चर में ऐसा दिखे कि काम खत्म हो चुका है उसको हम बोलते हैं फिनिश्ड। एग्जाम्पल देखते हैं। मान लेते हैं ये कोई क्लासरूम है और ये टीचर है और टीचर बच्चों को पढ़ा के बाहर आ गए। टीचर बच्चों को पढ़ा के बाहर आ गए तो ये इमेज में क्या है, हमें काम फिनिश दिख रहा है। तो जिस इमेज के अंदर हमें काम खत्म दिखता है उस इमेज को हम बोलते हैं फिनिश्ड। अब ग्रामर ये बोलती है जब कोई काम खत्म दिखता है हमें उसकी इंग्लिश लिखने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। या तो हम सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं या हम थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी काम खत्म होगा तो ग्रामर ने हमें दो ऑप्शंस दिए हैं, या सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म। तो क्वेश्चन ये उठता है कि हमें कैसे पता लगेगा कि हमें सेकंड फॉर्म कब लगानी है और थर्ड फॉर्म कब लगानी है। तो इसको हम ऐसे समझेंगे, जब अभी हिंदी में हमारा सेंटेंस मात्रा पर एंड करता है, आ ए ई उ ओ मात्रा की साउंड आए, जब कोई काम फिनिश्ड है और वो एंड करते हैं मात्रा में, मात्रा की साउंड आती है जैसे आ ए ई उ ओ औ। तो जैसे मैंने खाना खाया, इट्स आ। यहाँ पे है खा गा नहीं है तो हम लगाएंगे सेकंड फॉर्म। जब क्या लिखा है, आ ए ई उ ओ, अगर ये साउंड आए और काम फिनिश हो तो हमें लगानी है सेकंड फॉर्म। और जब कोई काम खत्म हो और सेंटेंस की एंडिंग है पर, था पर या गा यानी फ्यूचर यानी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर पर हो तो हमें लगानी है थर्ड फॉर्म। अगर हमारा काम फिनिश है और मात्रा पे एंड करता है तो हमें लगानी है सेकंड फॉर्म। और ये वाली इमेज हमेशा पास्ट में बनती है। जैसे मैंने खाना खाया यानी कि पास्ट की बात हो रही है, उसने गाना सुनाया पास्ट की बात हो रही है, हमने काम किया पास्ट की बात हो रही है। ये तीनों सेंटेंसेस पास्ट के हैं, बीते हुए समय के हैं। साथ में क्या है, इन तीनों में क्या है, काम खत्म हो चुका है और मात्रा की आवाज आ रही है आ आ आ। तो जब कोई काम खत्म हो जाए पास्ट में और मात्रा को रुके तो लगेगी सेकंड फॉर्म। जब कोई काम खत्म हो और रुके कहां पे, है पे था पे या गा पे, तो उसमें लगेगी थर्ड फॉर्म। तो अगर है पे रुकता है तो हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे has, have। अगर था पे रुकता है तो हम लगाएंगे had। अगर फ्यूचर में दिखते हैं हमें तो हम लगाएंगे will have। अगर कोई काम खत्म हो और वो प्रेजेंट में खत्म हो, है लिखा हुआ मिले प्रेजेंट में खत्म हो तो हम लगाएंगे has, have। पास्ट में दिखे इमेज में तो had। अगर काम हमारा फिनिश्ड है लेकिन इमेज हमारी फ्यूचर की है तो हम लगाएंगे will have। एग्जाम्पल देखते हैं, मैंने काम किया था। अभी इसमें क्या है, मैंने काम किया था कि मैं क्या है, काम खत्म हो चुके और इमेज पास्ट की है। पास्ट की बजाय आई हैड डन द वर्क। अब देखो इसमें हमने हैड क्यों लगाया, क्योंकि हमारी इमेज पास्ट की है, थर्ड फॉर्म लगी है और हैड लगा। उसने गाड़ी साफ कर दी थी, ही हैड क्लीन्ड द कार। उसने गाड़ी साफ कर दी थी, ही हैड क्लीन्ड द कार। सॉरी, है लिखा हुआ तो ही हैज लिखा जाएगा, ही हैज क्लीन द कार, वह जा चुका होगा। नाउ ये इमेज क्या है, फ्यूचर में बन रही है तो हम क्या लिखेंगे, ही विल हैव गोन। तो अगर कोई काम प्रेजेंट में खत्म हो तो हैज, पास्ट में खत्म हो तो हैड, फ्यूचर में खत्म हो तो विल हैव। और अगर कोई काम पास्ट में खत्म हुआ लेकिन मात्रा पर एंड करता है, मैंने खाना खाया तो मैंने सेकंड फॉर्म आई एट फूड। उसने गाना सुनाया, ही sang अ सॉन्ग। हमने काम किया, वी डिड द वर्क। तो ये हमने देखा, जब जब काम खत्म होगा तो या तो सेकंड फॉर्म लगेगी या थर्ड फॉर्म लगेगी। अगर वो सेंटेंस पास्ट के और मात्रा पर एंड करता है तो हमें लगानी है सेकंड फॉर्म। अगर वो सेंटेंस है था गा प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में लिखता है तो हम लगाएंगे थर्ड फॉर्म।
साथ में एक और बात हमें ध्यान रखनी है, सेकंड फॉर्म की हेल्पिंग ऑफ क्या है, डिड। तो अगर हमें इन सेंटेंसेस को नेगेटिव करना है तो हमें डिड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लाइक आई एट फूड तो बनेगा आई डिड नॉट ईट फूड, आई एट फूड का बन गया आई डिड नॉट ईट फूड। ही सैंग अ सॉन्ग, इसका नेगेटिव क्या बनेगा, ही डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग। तो हमने सैंग को नेगेटिव करने के लिए सेकंड फॉर्म की हेल्पिंग वर्ब लगा दी। ऐसी और भी हम बहुत सारे एग्जांपल्स देख सकते हैं। तो इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, जब जब काम खत्म होगा या सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म, पास्ट की इमेज है और मात्रा परिणत करता है तो सेकंड फॉर्म, इमेज प्रेजेंट की हो, पास्ट की हो, फ्यूचर की हो, है था डा लिखा मिले तो आप लगानी है थर्ड फॉर्म। साथ में हैज है प्रेजेंट के लिए, हैड पास्ट के लिए, विल हैव फ्यूचर के लिए। वी कवर मोर on the topic tenses in next video. Thank you.